बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर और गाजर का मज़ेदार सा सालन, और ताज़ा सब्जियां ये तीनों। तो शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े साइज का प्याज काटा और एक किलो हमने मटर लिए थे, जो इतने निकले हैं। एक किलो ही गाजर है, डेढ़ किलो हमने लिए हैं आलू। दो चम्मच अदरक का पेस्ट है और दो ही चम्मच लहसुन का पेस्ट। दो मीडियम साइज के टमाटर हैं और पांच बड़े साइज की। ऑयल हमारा गर्म है, प्याज शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें प्याज और सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और हमने अपना चूल्हा जो है वो दीवार के साथ कर लिया। रेड मिर्च, डेढ़ चम्मच। नमक दो चम्मच और हल्दी। मौसम सरमा की पहली बारिश है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाएं। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम मटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। मटर हमारे फ्राई हो गए हैं, अब गाजर शामिल करेंगे। गाजर को एक से दो मिनट ढक्कन रख के हमने पकाया, उसके बाद अब आलू शामिल करेंगे। अब पानी शामिल करेंगे और अब इसी दम में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ये गल जाएंगी। माशाल्लाह जी, सालन हमारा रेडी हो गया, आलू हमारे भी गल चुके हैं, सब्ज़ धनिया जाएगा बारीक कटा हुआ। साबुत गर्म मसाला, और ये बहुत ही मज़ेदार सालन हमारा तैयार हुआ है, और मेरा तो ये फेवरेट है चावलों के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको चावलों के साथ ज़्यादा पसंद है या कि रोटी के साथ। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है चावलों के साथ। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, अब उतारते हैं नीचे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।